गोभी की सब्जी, पकौड़े, पराठे, फूल गोभी फ्राई तो आपने बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी इसकी सब्जी बनाई है? तो जी हाँ, मैं इसकी भी सब्जी बनाती हूँ। तो आज मैं फूल गोभी के डंठल की सब्जी शेयर करने जा रही हूँ। जो हार्ड पार्ट है ना, सिर्फ उसी को हटाना है, जो सॉफ्ट पार्ट है उसी को लेंगे और सारे डंठल को हम निकाल लेंगे। जो इसकी हार्ड पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, उसको हम छिलका, इसकी छिलका को निकाल लेंगे। जो बीच का सॉफ्ट वाला पार्ट है उसी को लेंगे। तो इस सब को हम बना लिए हैं। जो डंठल मोटा सा होता है उसको हम बीच से काट लेंगे और इसको हम धो लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से धोने के बाद और इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट बॉयल करेंगे के पकेगा। चलिए इसके साथ मिलाने वाली सामान को देख लेते हैं। बैंगन कटा हुआ 2 और प्याज, टमाटर, आलू को ले लिए हैं। मसाले में हमने अभी जीरा और लहसुन को पीस लेंगे और उसी में धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली ले लेंगे। देखिए हमारा ये पक चुका। अब इसको पानी से निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम तेल और जीरा का तड़का लगा करके प्याज को थोड़ी देर ही भूनना है, सौते करना है। फिर कटा हुआ बैंगन और कटा हुआ आलू को डाल देंगे। हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर इसको थोड़ी देर ही भूनेंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर और पिसा हुआ मसाला भी डालकर थोड़ी देर भूनना है। फिर जो हम जो बीच का डंठल था कोमल वाला, उसको काट करके ले लिए हैं, वो भी डाल देंगे। जो डंठल बॉयल करके रखे थे फूलगोभी का, वो भी डाल करके अच्छे तरीके से इसको हम मिला लेंगे। और डूबने भर थोड़ी कम ही, उतना पानी नहीं देंगे, ये डूबने भर ही पानी देंगे। फिर पकने देंगे। ये 5 से 7 मिनट के बीच पक जाता है और ये टेस्टी टेस्टी सब्जी घर पर जो सामान हम फेंक देते हैं उसी का हम तैयार